Good morning, students. Today we will start our new chapter, Organic Synthesis via Enolates. यानी कि इनोलेट्स से हमने different organic compounds synthesize करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये इनोलेट्स हैं क्या? अब आपने अपने लास्ट जो अपना क्लास थी, प्रीवियस क्लास, उसमें कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, अगर उसके एडजेसेंट पर आपकी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन की बात करें हम, अल्फा हाइड्रोजन इधर भी आपकी हो सकती है, ये आपकी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर मैं अब इसकी बात करूं तो ये बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है? तो बीटा एसिडिक नहीं होते, बीटाज आर नॉट एसिडिक. हमारा जो सारा चैप्टर है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर ही बेस्ड है कि जो हाइड्रोजन एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि दैट इज अल्फा हाइड्रोजन्स, दे आर एसिडिक इन नेचर. अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर. अब कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में जो आपने अल्फा हाइड्रोजन रख दी, व्हाई दीज आर एसिडिक इन नेचर एंड दीज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स. ये मैं आपको बता रही हूं कि एसिडिटी ऑफ, यू कैन से, अल्फा हाइड्रोजन एंड दैट विल रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट. आपका इनोलेट आयन बनेगा. अभी आप देखिए, अब अगर मैं नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करती हूं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? तो ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर. तो ये नॉन पोलर ही होता है. लेकिन अगर मैं इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एडजेसेंट पर कार्बोनिल ग्रुप लगा दूं, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया मैंने कार्बन हाइड्रोजन के एडजेसेंट पर, तो उस टाइम क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप भी लगा सकते हैं या और भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं. तो जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे एडजेसेंट टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल पोलराइज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? सो दैट दिस हाइड्रोजन मे बी रिमूव्ड एज अ प्रोटोन बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस. कोई भी आप स्ट्रॉन्ग बेस अगर अब आप लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा. जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका क्या आ गया इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड दिस कार्बन नाउ कैरीज नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो ये जो एनायन बना है, दैट एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. देखिए कैसे ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, एंड यू विल गेट सी ओ नेगेटिव अब यहाँ आ गया, और दिस इज डबल बॉन्ड सी, ठीक है? और बेस इस हाइड्रोजन को ले गया, बी एच आपका जो है माइनस हो गया. अब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें तो देखिए आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, कार्बन के साथ भी हो सकता है, और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पे भी हो सकता है और आपका इस कार्बन पे भी हो सकता है, ठीक है? तो दिस आयन जो बना, दैट इज नोन एज इनोलेट आयन. आप इसको इनोलेट आयन बोलते हैं. क्यों इनोलेट आयन बोलते हैं? क्योंकि जब आप इसमें अगर प्रोटॉन डालेंगे तो प्रोटॉन डोनर के साथ इट फॉर्म्स इनोल फॉर्म. प्रोटॉन डोनर के साथ आपका ये ऑक्सीजन एटम पर अगर जाके प्रोटॉन लग रहा है तो आपकी इनोल फॉर्म बनती है. आपकी दोनों फॉर्म बनेंगी, इनोल फॉर्म भी बनेगी और आपकी कीटो फॉर्म भी बनेगी. कीटो फॉर्म आपकी कब बनेगी? जब आपका हाइड्रोजन जो है कार्बन पे जाके लगेगा. और इनोल फॉर्म आपकी कब बनेगी? जब आपका
ऑक्सीजन पर जाकर प्रोटॉन लगेगा। ठीक है, तो आपकी दोनों फॉर्म बनी, आपकी कीटो फॉर्म भी बनी आपकी और इनोल फॉर्म भी बनी। ठीक है, तो देखिए क्या है, दोबारा से मैं ब्रीफिंग करती हूँ कि वैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नॉन पोलर होता है, क्योंकि कोई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके एडजेसेंट पर लगा देंगे तो अब क्या करेगा, इट पोलराइजेज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सो दैट दिस हाइड्रोजन मे बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड द एनायन इज फॉर्म्ड विच इज़ फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, एंड दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो आपका आयन बना है, देखिए जो बना है, दिस इज नोन एज इनोलेट आयन। क्यों? एज इट गिव्स राइज टू इनोल व्हेन ट्रीटेड विद प्रोटोन डोनर्स। जब आप प्रोटोन डोनर्स के साथ ट्रीट करोगे तो इट एक्ट एज अ इट फॉर्म्स इनोल फॉर्म। ठीक है, दैट्स वाई दिस एनायन इज कॉल्ड इनोलेट एनायन या आयन। ठीक है, तो इनोलेट आपको पता चल गया। अब आपने देखा कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है दैट मेक्स द एल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर। एसिडिक तो हो गई है एल्फा हाइड्रोजन, बट देयर एसिडिटी इज वेरी वेरी लो। अब एसिडिटी जो है इनकी बहुत ही लो है, और यू कैन से कि अगर आपको इनसे प्रोटॉन रिमूव करना है, यानी कि इनोलेट आयन बनाना है, तो आप सिर्फ स्ट्रोंग बेसिस यूज़ करके, जैसे कि लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, स्ट्रोंग बेसिस यूज़ करके आप इनसे इनोलेट आयन बना सकते हैं। अगर स्ट्रोंग बेस नहीं लेंगे तो वो आपका इससे जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एसिडिक कैरेक्टर आपका इतना कम होता है, या यू कैन से अगर एब्स्ट्रैक्ट कर भी लेगा जो आपका इनोलेट एनायन बनेगा, दैट इनोलेट एनायन इज फॉर्म्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशंस, उसकी यील्ड बहुत कम होगी। ठीक है, और अगर आप इवन और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते, जैसे सोडामाइड आपको पता होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उस केस में जो आपकी इनोलेट आयन बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड इन योर हाई कंसंट्रेशन, आपकी इनोलेट आयन्स की जो कंसंट्रेशन है, यू कैन से यील्ड है, दैट विल बी समवट लार्जर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे उतना ही आपका इनोलेट आयन जो है वो हाई कंसंट्रेशन में आपको फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने लगाया था एक कीटो ग्रुप, अगर मैं दो कीटो ग्रुप लगा दूं तो उस टाइम क्या होगा, जैसे सपोज करो ये मैंने लिया, क्या है ये कंपाउंड, एसिटाइल एसीटोन, एसीटोन का एक हाइड्रोजन हटा के मैंने एसिटाइल ग्रुप लगा रखा है, तो एसिटाइल एसीटोन को जब मैं स्ट्रोंग बेस से ट्रीट करती हूँ, सपोज करो मैंने सोडियम इथोक्साइड से ट्रीट किया, तो क्या होगा, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस एल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपकी एल्फा है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, तो CH नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ CH3 इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ अगेन टू स्ट्रक्चर्स। एक बार आप इसको यहाँ मूव करेंगे और यहाँ मूव करेंगे तो आपका देखिए ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड CH सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब ये मैंने रब कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप इसको यहाँ मूव करेंगे तो ये यहाँ मूव हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर बना CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH डबल बॉन्ड सी, अब ओ नेगेटिव यहाँ हो गया CH3। ठीक है, तो ये आपके एनायन बने, इनोलेट एनायन है ये, जो कि आपका प्लस C2H5OH। ठीक है, और इनके साथ आप बल्कि Na+ लिख सकते हैं, सोडियम साल्ट की फॉर्म में प्लस Na C2H5OH। अब ये जो इनोलेट आयन बन रहे हैं, दिस इनोलेट एनायन इज फॉर्म्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज़,
क्यों? क्योंकि ये जो आपकी हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगी ये हाइड्रोजन, इट इज़ फ्लैंक्ड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो जब आपके स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे किसके साथ, अल्फा हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो उस टाइम आपका जो है एसिडिटी अल्फा हाइड्रोजन की उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपल ये बताया, एक आपको अभी मैंने ऊपर केस लिया था जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप था, अब मैंने ये दो कार्बोनिल ग्रुप वाला केस लिया, तो दो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो ये हाइड्रोजन है दैट विल बी मोस्ट एसिडिक। देन सपोज कीजिए आपका है मेलोनिक एस्टर, क्योंकि अब मैं आपको ये दो एग्जांपल स्पेशल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही दोनों हमारे सिलेबस में है, मेलोनिक एस्टर और एसीटो एसिटिक एस्टर। अब इनके साथ जो इनमें जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर। क्यों ज़्यादा एसिडिक है ये देखिए, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ। अगर मैं इसका बना रही हूँ मेलोनिक एस्टर का, तो मेलोनिक एस्टर में हम लेते हैं डाई इथाइल मेलोनेट, क्या लेते हैं डाई इथाइल मेलोनेट। और अगर एसिटो एसिटिक एस्टर की बात कर रहे हैं तो एसिटो एसिटिक एस्टर हमारा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये हमारा है एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसको कि हम इथाइल एसिटो एसिटेट भी बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में यू कैन से EAA भी हम इसको लिखते हैं, इथाइल एसिटो एसिटेट। अब क्या है देखिए, अब डाइथाइल मेलोनेट और इथाइल एसिटो एसिटेट में आप देखिए, दिस जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज फ्लैंक्ड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, ऐसे यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी एसिडिक, और इनसे जो अब आप बेस से जब आप इनको ट्रीट करेंगे, जो आपका इनोलेट एनायन बनेगा, दैट इनोलेट एनायन इज नाउ फॉर्म्ड इन वेरी हायर कंसंट्रेशन, बहुत हाई यील्ड आपको मिलेगी जब आप इनको ट्रीट करेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक यू कैन ट्रीट विद सोडियम इथोक्साइड से, जब आप इनको ट्रीट करके इनका इनोलेट आयन बनाएंगे, ये इनोलेट एनायन जो है, मैं जब हम मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस करेंगे और एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस करेंगे तभी आपको बना के दिखाऊंगी। यू कैन जस्ट रिमूव दिस हाइड्रोजन और इस पर आप नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हो, तो वो आपका बन गया इनोलेट एनायन, ठीक है। तो अब ये जो इनोलेट एनायन बनते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बन के ऊपर, तो दे एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, एंड दे कैन टेक पार्ट इन अ लॉट ऑफ SN2 रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये एक जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, और आप इनसे इनको यूज़ करते हुए, इनोलेट आयंस को यूज़ करते हुए यू कैन प्रिपेयर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखिए, जैसे आपको किसी का भी कंपैरिजन आ सकता है तो आप कंपैरिजन बता सकते हैं, आपसे ये कह दिया कि एक आपका डाइथाइल मेलोनेट है, ठीक है, और एक आपका कह दिया आपका क्या है, सिंपली ले लो आप एक ही ग्रुप लेना, आपने ले दिया इथाइल एसीटेट, दिस इज़ योर इथाइल एसीटेट,
तो आपसे ये कह दिया कि आउट ऑफ इथाइल एसीटेट और डाई इथाइल मेलोनेट किसका जो इनोलेट आयन बनेगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनोलेट आयन फॉर्म्ड बाय आउट ऑफ किस डाई इथाइल मेलोनेट एंड इथाइल एसीटेट इज मोर स्टेबल, कि दोनों इनोलेट आयन बना रहे हैं तो इन दोनों में से किसका ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा। तो सिंपली आप ये देखेंगे कि कहाँ पर आपका जो आयन बन रहा है उसमें डिस्पर्सल ज़्यादा, जैसे अब इसमें है, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपकी ये है, ठीक है, तो जब एक अल्फा हाइड्रोजन आपकी निकली तो आपका बना CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OOC2H5, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें सिर्फ इतनी सी चार्ज डिस्पर्सल पॉसिबल है कि आपका ये स्ट्रक्चर बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज लेस सर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो लेस डिस्पर्सल मीन्स यू कैन से लेस स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। अब इससे देखें, इससे मैं आपका एक तो यही बना देती हूँ, डाइथाइल मेलोनेट को जैसे आपने बेस के साथ ट्रीट किया, तो बेस के साथ ट्रीट किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो देखो आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक बार यहाँ गया और एक बार यहाँ गया, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बना, और दूसरे में आप क्या करेंगे, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस वाले को एक बार आप यहाँ भेजेंगे, ठीक है, और ये वाला आपका कार्बोनिल ग्रुप यहाँ होगा। यानी कि इन जनरल आपका जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्जेस मोर इन केस ऑफ इथाइल मेल डाइथाइल मेलोनेट, दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज मोर स्टेबल। एक स्टेबल की फॉर्म में पूछ सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक, ये इसके अंदर ज़्यादा एसिडिक है या इसके अंदर ज़्यादा एसिडिक है, तो इसके अंदर ज़्यादा एसिडिक होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो जो इनोलेट आयन बनेगा तो दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर नहीं बना रही, दो और स्ट्रक्चर आप अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड दिखाइए इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड बनाइए और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यानी कि आपका जो यू कैन से नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल है वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, दैट्स वाई दिस इज़ मोर स्टेबल। एंड यू कैन से जो इनोलेट एनायन बनेगा फ्रॉम इथाइल एसीटेट दैट विल बी योर लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये आपका था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर चैप्टर ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो नेक्स्ट हम इसको दो वीडियो लेक्चर में हम इसको ख़त्म करेंगे अपने चैप्टर को, तो एक में हम मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस की बात करेंगे सारा, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, थैंक यू।